बच्चों कैसे हो। तो आज की जो मेरी कहानी है वो एक बंदर की कहानी। चलो बच्चे सुनने के लिए तैयार हो ना सब बच्चे। चलो चलो जल्दी से सुना रही हूँ, ध्यान से सुना। एक ये वैसे तो सब आपने जो कहानी मैं सुना रही हूँ सब बड़ों की तो जानी पहचानी होती है, लेकिन जो हमारी आने वाली जनरेशन है ना उनको नहीं पता होती। जो किताबों में आप जितना मर्जी पढ़ लो कुछ हो, लेकिन आपको कोई कोई सुनाता है ना तो उसका मजा अलग ही आता है। तो इसलिए मेरा ये मोटिव है कि मैं आपको आपको ऐसे लगे कि हम सब सच में किसी से बड़े से अपने से ये कहानी सुन रहे हैं, बच्चों को एहसास हो। आज मैं आपको एक बंदर की कहानी सुनाऊँ। एक टोपी वाला होता है, वो बाजार में टोपियां बेचने जाता है। आप सब बड़ों ने सबने सुनी होगी। तो वो क्या करता है, उसके पास रंग बिरंगी कलर की जो टोपियां होती हैं, जैसे लाल रंग की, लाल को रेड बोलते हैं, ग्रीन कलर की उसको हरा बोलते हैं, नीले रंग की उसको ब्लू बोलते हैं। तो हर तरह की ब्लैक, ब्लू, रेड, वाइट, सारे कलर्स की उसके पास टोपियां होती हैं। तो वो क्या करता है, वो टोपियां बेचने जाता होता है कि टोपी ले लो, टोपी ले लो, टोपी ले लो, ऐसे आवाज लगा के उसकी टोपियां बिकनी शुरू हो जाती हैं। वो सुबह से जा रहा होता है तो उसको दोपहर हो जाती है, वो थक जाता है। तो वो एक पेड़ के नीचे आता है कि मैं यहाँ इसके नीचे आराम कर लेता हूँ। तो क्या होता है कि वहाँ वो पेड़ के नीचे सो जाता है और अपनी टोपियाँ अपने पास में रख लेता है। तो इतने में क्या होता है कि ऊपर जो जिस पेड़ पे वो सो रहा होता है ना, तो उसके ऊपर बहुत सारे बंदर बैठे होते हैं। और बंदर तो आप बच्चों को आपको पता ही है कितने शरारती होते हैं, वो तो दूसरों की चीजें छीन लेते हैं। तो क्या होता है, वो कहते हैं कि चलो ये बंदे की हम टोपियां लेते हैं। एक एक करके सारे बंदर आते हैं और उसकी जो टोपियां होती है वो पहन लेते हैं। पहन के क्या करते हैं, वो आराम से मस्त बैठे रहते हैं अपने पेड़ के ऊपर। थोड़े 13 घंटे 1.5 घंटे बाद क्या होता है, उसकी आंख खुलती है और उस टोपी वाले की वो दिखता है, बड़ा हैरान हो जाता है, मेरी टोपियां कहाँ गई। इधर उधर सारी जगह दिखता है पर उसको अपनी टोपियां नहीं दिखती। तो वो एकदम से उसका ध्यान पेड़ के ऊपर जाता है। वो तो देखता है कि पेड़ के ऊपर सारे मुंह उसकी टोपियां लेके बैठे होते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो कहते हैं मेरी टोपियां दे दो। वो कहते हैं हम नहीं देते, हम नहीं देते, मंकी को नहीं देते। तो वो क्या करता है, उसको एक आइडिया आता है। वो क्या करते हैं, वो छोटे छोटे कंकर नहीं होते, पत्थर होते हैं, पैबल्स होते हैं, उसको इकट्ठे करता है। और आपको पता ही है बच्चों कि जो बंदर होते हैं वो नकलची होते हैं, अपने जैसे हम करते हैं वैसे वो भी नकल करने की कोशिश करते हैं, इसलिए बोलते हैं ना नकलची बंदर, तो ऐसे बोलते हैं ना। तो वो क्या करते हैं, वो एक पत्थर मारता है मंकी के, और फिर वो जो मंकी होता है वो सोचता है उसके पास तो कुछ नहीं होता, वो तो पेड़ के ऊपर होता है। तो वो क्या करते हैं, वो नीचे अपनी टोपी करके नीचे फेंक देते हैं। उसने उन्होंने पत्थर मारा, वो कहते हैं ये आइडिया तो बड़ा काम कर गया। फिर वो दूसरा पत्थर मारता है, फिर वो दूसरा मंकी क्या होता है, वो अपनी कैप को, टोपी को नीचे फेंक देता है। इस तरह जितनी बार भी वो कंकर मारता है, जितने बंदर होते हैं वो अपनी सारी टोपियाँ फेंक देते हैं। वो क्या जो टोपी वाला होता है वो सारे टोपियाँ इकट्ठे करता है और चला जाता है। तो बच्चों कहने का मतलब इसका सार ये है इस कहानी का, कि कभी भी कोई चीज ऐसे आपके साथ हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई समस्या हो जाए, तो आप उसको ध्यान से सोच विचार के, सूझबूझ से उस चीज को आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा मैं अब चलती हूँ, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी।